यह खबर सिरसा से अलग आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, यह कहना है दर्शन रत्न रावन का। उन्होंने कहा, हर आरक्षण और इंसाफ की लड़ाई को हमने आगे बढ़कर लड़ा। अब हमारा अगला कदम होगा कि हम सारी महादलित जातियों का एक सामूहिक मंच कायम करें जिसका नेतृत्व भी सांझा हो, फिर मिल बैठकर सोच समझ के साथ आगामी कदम उठाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत की दूरदृष्टि और खुले मन से सोचते हुए कर दिया है। साफ कहा है कि हिस्सेदारी दी जाएगी, कुतर्क दिया जाएगा कि इससे फूट पड़ेगी। फूट को कितना गहरा करना है यह अगले दलितों पर निर्भर है। जी आइए। सवाल तो बाद में शुरू करेंगे जी, पहले आप इस चीज के लिए बार बार जो है ना क्षमा प्रार्थी हूँ कि सिरसा को आपने लगभग 20-25 साल बाद संभाला। आप आगे आ जाइए। आप मैं चूंकि मेरे साथी सहयोगी आगे हैं जी, नहीं आ जाइए, इधर बगल में है जगह, बगल में है सीट, आइए आप आइए, आ जाइए। आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही, फिर भी अच्छा लगेगा, यहाँ आ जाइए बेटे। पहले हम लोग आमने सामने हुए थे सुरखाब में जी, और 25 सालों का विशाल अंतराल होता है जी, कि जब आप इस समाज को जिसके लिए आप पैरवी कर रहे हैं 25 साल से जो आप संघर्ष आपने आरंभ किया, अगर बीच बीच में आकर के आप इनको संभल देते तो शायद ये परिस्थिति या जो निर्णय आज आप ले रहे हैं स्कूल भेजने का, ये 25 साल पहले अलग लड़ी भी। J&K में रहने वाला सफाई कर्मचारी J&K के कानून के अनुसार घुसपैठिया नहीं था, बाकियों को घुसपैठिया गिनते थे। पहले उसका अलग परमिट होता था जाने का, मींस उसको आप कह सकते हैं पासपोर्ट वीजा। मगर सफाई कर्मचारी को तो बुलाया गया जिला गुरदासपुर से, सरकार ने बुलाया, रहने के लिए क्वार्टर दिए, नौकरी दी, मगर नागरिकता नहीं दी, स्टेट सब्जेक्ट नहीं। तो हम लगातार लड़े हैं, 20 सालों में भी काम किया है, संपर्क रहा है हमारा हमेशा। जी सवाल इस बात का है कि आपने जम्मू में लड़ाई लड़ी, आपने आंध्रा में लड़ाई लड़ी जी, आप जैसे शिक्षाविद जो इस समाज की अग्रणी श्रेणी में हैं जी, गुरु जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप सिरसा पहुंचे? आज मैं एक लंबे समय के बाद सिरसा आया हूं, एक एमरजेंसी है। एमरजेंसी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत दूरदर्शी